हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज की जो हमारी क्लास है वो एंटोमोलॉजी की क्लास है। तो आज जो हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स वो एंटोमोलॉजी सेक्शन से होंगे। मंडे को सुबह 11 बजे हम जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं, वेडनेसडे को सुबह 11 बजे हम एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं, और फ्राइडे को सुबह 11 बजे हम एपिकल्चर पढ़ रहे हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम विजिटर, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड नहीं की है, सो गो इन द प्ले स्टोर, टाइप AAA247 एंड अड्डा 24/7 की ये ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर ऑल कैटेगरीज में से आपको चूज करना है एग्रीकल्चर कैटेगरी को। उससे रिलेटेड जितने भी जॉब अलर्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विज हैं, पावर कैप्सूल हैं, वो सब आपको इस ऐप में मिलेंगे, जिनको आप पढ़ सकते हैं, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू कि आप जो है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो चाहे कोई नया जॉब अलर्ट हो, चाहे प्रेजेंट जॉब में एक नया अपडेट हो, सबको टाइमली आप तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। एंटोमोलॉजी की आज की हमारी क्लास है, मॉक है 37। सो फार बहुत सारे एमसीक्यूज हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, एग्जाम इज नियर, प्री का रिजल्ट आ चुका है। नाउ लेट्स सी कि अब हमें अपने फुल फोकस जो है मेंस पर रखना है, जितनी हो सके उतनी हमें जो है प्रैक्टिस करते रहना है, राइट? चलिए, सो इससे पहले कि हम क्लास शुरू करें, यू हैव एग्रीकल्चर महापैक। तो अगर आप एग्रीकल्चर से एग्जाम्स रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, एग्जाम्स देते रहते हैं, अब एक स्टूडेंट एक एग्जाम तो नहीं देता है ना। इफ आई एम अ स्टूडेंट, मैं IBPS AFO भी देना चाहूंगी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन भी देना चाहूंगी, NFL भी देना चाहूंगी, IFCO भी देना चाहूंगी, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। सो अगर आप भी ऐसे एक स्टूडेंट हैं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक। इसमें अभी जो प्रेजेंट बैचेस हैं, IBPS AFO है, पंजाब ADO है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ये सभी बैचेस तो आपको मिलेंगे ही, साथ में अपकमिंग बैचेस, यानी कि जैसे ही कोई पोस्ट आती है एंड वी आर स्टार्टिंग अ बैच, उसकी लाइव क्लास आपको इस बैच में मिलती है विद इट्स टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स। तो आप पूरे साल फुल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। द फीस फॉर दिस एग्रीकल्चर महापैक इज 7359 फॉर वन ईयर, पूरे साल के लिए 7359 इज द फीस फॉर दिस एग्रीकल्चर महापैक, राइट? मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। येलो स्टेम बोरर हाइबरनेट्स इन, येलो स्टेम बोरर हाइबरनेट कहाँ करता है? हाइबरनेट यानी कि इट टेक्स रेस्ट ड्यूरिंग द विंटर सीजन, इसको हाइबरनेशन कहेंगे। एग्स, लार्वे, प्यूपा और नन ऑफ दीज। येलो स्टेम बोरर हाइबरनेट्स एज, नॉट इन, सॉरी, यानी हाइबरनेट किस स्टेज में आकर करता है, अपने किस लाइफ साइकिल के स्टेज पर आकर ये हाइबरनेट करता है? एग्स, लार्वा, प्यूपा, नन ऑफ दीज, जल्दी से बताइए आंसर। येलो स्टेम बोरर हाइबरनेट्स इन, वेरी गुड आकाश, चलो जल्दी जल्दी आकाश को सपोर्ट करना है या फिर किसी और को अपना आंसर चेंज करना है। यस, सो द आंसर विल बी लार्वल स्टेज, द आंसर विल बी लार्वल स्टेज, नॉट प्यूपल स्टेज, ठीक है? तो ये लार्वल स्टेज में हाइबरनेट करता है। प्यूपल स्टेज एक रेस्टिंग स्टेज जरूर होती है, बट हाइबरनेशन का मतलब है कि उस इंसेक्ट को अगर सर्दियों में रेस्टिंग स्टेज ले रहा है, रेस्ट ले रहा है, जैसे छिपकलियां हैं वो भी सर्दियों में हमें इधर उधर नहीं दिखाई देती है, वो भी हाइबरनेट कर जाती हैं, है ना? तो हाइबरनेशन इज जब विंटर में रेस्ट लेता है, एस्टिवेशन इज जब समर्स में रेस्ट लेता है, ठीक है? चलिए, सब लोग प्यूपा प्यूपा पर चल रहे हैं, वेरी गुड। इन राइस, क्लिपिंग ऑफ टिप सीडलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इज टू एलिमिनेट द एग मासेस ऑफ, राइस के प्लांट में
जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी कि पौधों को जब आप नर्सरी से फील्ड लेकर जाते हैं ट्रांसप्लांटिंग के दौरान, तो उसके जो ऊपर की टिप होती है उसे काट दिया जाता है, उसे क्लिप कर दिया जाता है। ये हम किस लिए करते हैं? ताकि इंसेक्ट के जो एगमासिस हैं उनका लोड कम किया जा सके। लेकिन ये किस इंसेक्ट के एगमासिस का लोड कम करने के लिए किया जाता है? क्या हुआ भाई अजय को मेरी आवाज नहीं आ रही? सब लोग बताओ आवाज ठीक ठाक है, या बुलाएं किसी को? बिल्कुल सही था, आंसर इज येलो स्टेम बोरर। ठीक है, आंसर आपका क्या है? येलो स्टेम बोरर है ना। येलो स्टेम बोरर की क्लिपिंग की प्लांट्स के ऊपर से क्लिपिंग की जाती है, क्योंकि येलो स्टेम बोरर ज्यादातर एग्स जो है टिप्स पर देता है। तो जब हम टिप्स को काटते चले जाते हैं तो एग मास, एग लोड जो है बिल्कुल कम हो जाता है ना, तो फील्ड में इसकी इन्फेस्टेशन कम हो जाएगी। जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फिटनेस फ्रीक विशु। चलिए तो भाई हमारी वॉइस क्लियर है, अब आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कट लीफ बिट फ्लोटिंग इन वॉटर इज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ, ठीक है, टूटी हुई या कहिए काटी हुई लीव्स पानी पर दिखाई देती हैं और तैर रही होती हैं, ये किसका सिम्टम है? येलो स्टेम बोरर का है, ग्रीन लीफ होपर का है, ब्राउन लीफ होपर का है, या फिर केस वॉर्म का है? देखो पानी पर लीव्स तैर रही है, मतलब यहां फिर से राइस की बात हो रही है, राइस में ही पानी खड़ा रहता है फील्ड में। तो अब आपको जो दिख रहा है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े लीफ के कटे हुए पानी में तैरते हुए दिख रहे हैं, तो ये किसके कारण हो सकता है, किस इंसेक्ट के कारण ऐसा सिम्टम आपको दिखता है? डेट अभी फिक्स नहीं है सूरज, बट यस श्योरली वी विल स्टार्ट द पीजी एंट्रेंस क्लासेस, है ना, एमएससी एंट्रेंस क्लासेस हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल सही द आंसर इज केस वॉर्म, है ना, आंसर क्या होगा? केस वॉर्म हमारा आंसर रहेगा। भाई हमारा तो आंसर भी वापस भाग जाता है, देखो। ठीक है चलिए, रिटार्डेशन इन लिंट डेवलपमेंट इन कॉटन इज कॉज्ड बाय विच बॉल वर्म? लिंट डेवलपमेंट, जब कॉटन में सीड से लिंट डेवलप हो रहा होता है उसका मतलब अमाउंट कम हो जाता है, द प्रोसेस इज रिटार्डेड, ये किस इंसेक्ट के कारण होता है? पिंक बॉल वर्म, अमेरिकन बॉल वर्म, स्पॉटेड बॉल वर्म, या फिर ऑल ऑफ दीज? रिटार्डेशन इन लिंट डेवलपमेंट इन कॉटन इज ड्यू टू विच इंसेक्ट? पिंक बॉल वर्म, अमेरिकन बॉल वर्म, स्पॉटेड बॉल वर्म, या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? रिटार्डेशन इन लिंट डेवलपमेंट, लिंट की डेवलपमेंट कम हो जाती है, किस इंसेक्ट के कारण ऐसा होता है? द आंसर हियर विल बी पिंक बॉल वर्म। ठीक है, कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं ऑल ऑफ द दीज देखकर कि आंसर ये होगा, और तीनों बॉल वर्म भी हैं, है ना, बट द करेक्ट आंसर विल बी पिंक बॉल वर्म। पिंक बॉल वर्म सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा यील्ड रिडक्शन जो होती है वो पिंक बॉल वर्म की वजह से ही होती है, इसलिए जो बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुई थी वो बेसिकली पिंक बॉल वर्म के लिए ही हुई थी। हाँ, ऑटोमेटिकली उसने स्पॉटेड बॉलवर्म और अमेरिकन बॉलवर्म को भी कंट्रोल कर लिया, वो बात अलग है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य था वो पिंक बॉलवर्म के लिए था। ठीक है, सो द आंसर हियर विल बी ए। द बॉलवर्म विच कवर्स द ओपनिंग वंस इट एंटर्स इनटू द बॉल, ऐसा बॉलवर्म जो बॉल में घुसने के बाद, एंटर करने के बाद अपनी एंट्री को कवर कर देता है ना, ढक देता है, दरवाजा बंद कर देता है, तो ये कौन सा वॉर्म है? अगेन द ऑप्शंस आर सेम, पिंक बॉल वॉर्म, अमेरिकन बॉल वॉर्म, स्पॉटेड बॉल वॉर्म, या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? द बॉल वॉर्म विच कवर्स द ओपनिंग, वेरी गुड ऋतिक, द आंसर इज पिंक बॉल वॉर्म। आंसर क्या है? अगेन पिंक बॉल वॉर्म। तो पिंक बॉल वॉर्म जो है बहुत ही छोटे स्टेज पर ही बॉल में इन्फेस्ट कर देता है, बॉल के अंदर चला जाता है। अब बॉल का साइज तो बड़ा होगा, टिश्यू बढ़ेगा,
तो वो अपने आप ही जो होल है वो कवर हो जाता है। जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हम पियर्सिंग करते हैं कान में, नाक में, अगर मैं इनको निकाल के रख दूँ, 1 साल में, 6 महीने में मेरा कान बंद हो जाएगा, इसमें छेद नहीं रहेगा, है ना। तो इसी तरीके से बॉल का वो छेद है वो कवर हो जाता है। ये पिंक बॉल वर्म के केस में होता है कि आपको बाहर से देखकर पता ही नहीं चलेगा कि बॉल के अंदर कीड़ा है, ठीक है। अमेरिकन बॉल वर्म की भी एक कहानी है, ये भी समझ लीजिए। अमेरिकन बॉल वर्म क्या करता है, कई बार बॉल है, बॉल के अंदर वो सिर्फ अपना फेस यानी कि मुंह अंदर घुसाता है और खाना शुरू कर देता है। उसकी बाकी जो बॉडी होती है वो बॉल के बाहर लटकी हुई होती है, ठीक है। तो ये अमेरिकन बॉल वर्म का है। अगर इस तरीके से पूछा जाए, एक बॉल है जिसमें इंसेक्ट की बॉडी इस तरीके से बाहर लटक रही है, सिर्फ हेड को अंदर करके वो अपना खाना अंदर खाए जा रहा है ना, तो ये अमेरिकन बॉल वर्म की पहचान है। लार्वे ऑफ पिंक बॉल वर्म ओवरविंटर्स इन सॉइल, सीड, स्टेम और फ्लावर। पिंक बॉलवर्म का जो लार्वे है ये अपनी सॉइल में रहेगा, सीड में रहेगा, स्टेम में रहेगा या फ्लावर में रहेगा। हाइबरनेशन कहाँ करेगा, वेर इट विल बी हाइबरनेटिंग, सॉइल, सीड, स्टेम, फ्लावर, क्या लगता है गाइज? लाइव और लाइक्स तो एटलीस्ट बराबर होने चाहिए, है ना। ये फंडा तो आप सबको क्लियर है ही। सो डू लाइक द क्लास, डू लाइक द सेशन इफ यू आर लाइकिंग द क्लास, राइट। सो द आंसर इज बिल्कुल सही, बी, सीड। जब बॉल के अंदर घुस ही जाता है वहीं पर रेस्ट करेगा, वहीं पर खाएगा, वहीं पर सोएगा, वहीं पर पॉटी करेगा, सब वहीं करेगा, ठीक है। सो द आंसर इज बी, सीड्स। मस्टर्ड सो फ्लाई प्यूपेट्स, मस्टर्ड सो फ्लाई प्यूपेट कहां करती है, सॉइल, सीड, स्टेम, फ्लावर। मस्टर्ड सो फ्लाई प्यूपेट्स सॉइल, सीड, स्टेम, फ्लावर। Yes, the answer is soil. Answer क्या है? Soil. Mustard saw fly soil में pupate करती है। Mustard saw fly के पीछे female fly जरूर लगता है, but it does not belong to diptera order. ये diptera order से belong नहीं करती है। ये किस से belong करती है? Hymenoptera order से belong करती है, जिससे आपके bees और wasp belong करते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ऐसे कंफ्यूजिंग चीजें पूछ ली जाती है ना। सॉफ्टफ्लाई जो है आपकी, ये हिम्नोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पीशीज ऑफ पैरासिटॉइड, किस ऑर्डर में पैरासिटॉइड स्पीशीज सबसे ज्यादा है। पैरासिटॉइड स्पीशीज यानी जो दूसरों में एज अ पैरासाइट रहती है और जिन्हें बायो कंट्रोल के लिए हम यूज कर सकते हैं। डिप्ट्रा, कोलियोप्ट्रा, हेमिप्ट्रा, हिम्नोप्ट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पीशीज ऑफ पैरासिटॉइड्स, द आंसर इज हिम्नोप्ट्रा। हिम्नोप्ट्रा सबसे ज्यादा पैरासिटॉइड किस ऑर्डर में है, हिम्नोप्ट्रा ऑर्डर में, डी। हाँ, जब अलग अलग आंसर आ रहे होते हैं समझिए सब लोग तुक्के मार रहे होते हैं, है ना। सिंथेटिक पायरेथेरॉइड्स आर डैश जनरेशन इंसेक्टिसाइड, सिंथेटिक पायरेथेरॉइड किस जनरेशन के इंसेक्टिसाइड्स कहे जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ।
क्या होगा आंसर? यस, राइट आंसर विल बी फोर्थ जेनरेशन. ठीक है, सिंथेटिक पायरेथिरॉइड्स जो हैं फोर्थ जेनरेशन इंसेक्टिसाइड्स हैं. ठीक है, चलिए मूविंग नेक्स्ट. बिहार हेरी कैटरपिलर इज डैश पेस्ट. बिहार हेरी कैटरपिलर एक मोनोफेगस पेस्ट है, एक ओलिगोफेगस पेस्ट है, एक पॉलीफेगस पेस्ट है या एक सैप्रोफेगस पेस्ट है. मोनोफेगस मतलब एक ही क्रॉप पर फीड करता है, पॉलीफेगस काफी पे करता है, ओलिगोफेगस लाइक रिलेटेड एक दो प्लांट्स पर करता है ना. सैप्रोफेगस मींस जो ड्राइड डेड लीव्स होती है उन्हीं पर फीड करता है. तो बिहारी कैटरपिलर हेयरी कैटरपिलर क्या कौन सा पेस्ट है? मोनोफेगस पेस्ट है, ओलिगोफेगस पेस्ट है, सेप्रोफेगस पेस्ट है, पॉलीफेगस पेस्ट है? बिहार हेयरी कैटरपिलर चलिए सो द आंसर हियर विल बी अगेन पॉलीफेगस पेस्ट. बिहार हेरी कैटरपिलर एक पॉलीफेगस पेस्ट है. ठीक है, इट इज अ पॉलीफेगस पेस्ट. चलिए नेक्स्ट. फादर ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी इन इंडिया. वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि ये डाउटफुल से ही रहते हैं, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है. ठीक है, तो बेसिकली तो एंटोमोलॉजी के फादर आपको पता होने चाहिए, वो है किर्बे. द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इज किर्बे. लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडिया पूछा है, सो द आंसर इज एडीएम्स. ठीक है, आंसर इज एडीएम्स. चलिए नेक्स्ट. बर्ड नेक्रोसिस इन वाटरमेलन एंड मस्क मेलन इज ट्रांसमिटेड बाय. मेलन्स में जो बर्ड नेक्रोसिस होता है वो किस इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होता है? एफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग. बर्ड नेक्रोसिस इन वाटरमेलन एंड मस्क मेलन इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग्स. सो द आंसर हियर विल बी अगेन ए एफिड्स या बी थ्रिप्स. क्या होने वाला आंसर? अच्छा डी भी आ गया, मिलीबग. और कुछ? सो बर्ड नेक्रोसिस इन वाटरमेलन एंड मस्क मेलन इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स. ए बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट इज ट्रांसमिटेड बाय. बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंड नट इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग. ऑप्शंस आर सेम. बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंड नट इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग. क्या होगा आंसर? यस, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर थ्रिप्स होगा. ठीक है, डिजीज सेम है लेकिन क्रॉप के हिसाब से वेक्टर चेंज हो गया है ना. बर्ड नेक्रोसिस इन ग्राउंडनट इज विद द हेल्प ऑफ थ्रिप्स, ये स्प्रेड होती है. द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थुरिंजिनेसिस इंटरफेयर्स विद इंसेक्ट्स सिस्टम. जो बीटी कॉटन में टॉक्सिन बनता है ये इंसेक्ट के किस सिस्टम पर अटैक करता है? नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, ब्लड पर अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है या डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करता है? बीटी कॉटन में जो टॉक्सिन बनता है वो टॉक्सिन किस जगह पर अटैक करता है इंसेक्ट में? बिल्कुल सही, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो क्योंकि ये एक स्टमक पॉइजन है राइट, तो ये जैसे ही गट में जाता है इंसेक्ट के वहां पर एल्कलाइन पीएच होती है. एल्कलाइन पीएच यानी कि 8 से ज्यादा पीएच होती है, वहां पर ये एक्टिव होता है और इंसेक्ट के पूरे गट में ये पोर्स कर देता है यानी कि छेद कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट कुछ खा पी नहीं पाता
और स्टार्वेशन के कारण, भूख के कारण मर जाता है, है ना। तो इट इज टारगेटिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को टारगेट कर रहा है। ट्री बैंडिंग इज यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ, ट्री बैंडिंग किस इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए यूज की जाती है? मैंगो मिलीबग, एफिड्स, सेमीलूपर, ऑल ऑफ दीज। ट्री बैंडिंग, कई कई जगह आपने देखा होगा ट्री के चारों तरफ जो है पॉलिथीन शीट इस तरीके से उस पर रैप की जाती है फॉर लाइक 1 मीटर और 1.5 मीटर, है ना। तो ये किसकी वजह, किसके लिए की जाती है? जी नवप्रीत, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही विशु, द आंसर इज मिलीबग। ठीक है, आंसर इज मिलीबग। तो मिलीबग हमेशा बार्क से ऊपर ट्रेवल करता है, तो अगर हम बार्क पे नीचे पेंट कर देते हैं या फिर उसमें जो भी ग्रूव्स बने होते हैं उनको साफ कर देते हैं, उसको बेसिकली हमें चिकना और प्लेन रखना है ताकि इंसेक्ट उस पर ना चढ़ पाए, चाहे पॉलिथीन शीट का यूज करें, पेंट का यूज करें, है ना, डी ट्रैशिंग करें। शुगर केन में डी ट्रैशिंग इस वजह से ही की जाती है ताकि नीचे की लीव से उनको हम साफ करते रहे, मिलीबग चढ़ ही ना पाए, है ना। तो ये सब मिलीबग के लिए यूज किया जाता है। द मोस्ट इफेक्टिव मॉल्टिंग हार्मोन इन इंसेक्ट इज, मॉल्टिंग हार्मोन कौन सा है इंसेक्ट में? हेलियोर, ज्विनाइल, एक्डाइसन, स्क्लेरोटिन। गुड मॉर्निंग अवधेश। द मोस्ट इफेक्टिव मॉल्टिंग हार्मोन इन इंसेक्ट इज हेलियोर, ज्विनाइल, एक्डाइसन, स्क्लेरोटिन। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही, एक्डाइसन। ठीक है, एग्डाइसिन। देखिए मॉल्टिंग हार्मोन भी होता है जिससे मॉल्टिंग स्टार्ट होती है। एग्डाइसिन हार्मोन क्या करता है? जो ऊपर की पुरानी स्किन है उसको शेड करने में हेल्प करता है, है ना। तो मॉल्टिंग में ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी यहां पर हमें मॉल्टिंग हार्मोन दिया ही नहीं हुआ है ऑप्शन में, तो यहां तो हमारे लिए और भी आसान हो गया इसको चूज करना, एग्डाइसिन हार्मोन। व्हाइट ग्रब्स प्रिफर टू ले एग्स इन सॉइल, व्हाइट ग्रब्स ज्यादातर सोयल में एग लेइंग करते हैं। कौन सी सॉइल में करते हैं? सैंडी सॉइल में करते हैं, लोमी सॉइल में करते हैं, क्ले सॉइल में करते हैं, सिल्ट सॉइल में करते हैं। कौन सी सॉइल पसंद है इन्हें? गुड मॉर्निंग शिवेंद्र। व्हाइट ग्रब्स ले इन विच काइंड ऑफ सॉइल, कौन सी सॉइल पसंद है इन्हें? सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, सिल्ट सॉइल। बिल्कुल सही। तो देखो हमें ये पता है व्हाइट ग्रब एक किसका सिग्निफिकेंट पेस्ट है? ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का पेस्ट है ना। और ग्राउंडनट कहाँ होती है? सैंडी सॉइल में होती है, उसे थोड़ी लूज सॉइल चाहिए होती ताकि पैगिंग इजीली हो सके, सैंडी या सैंडी लोम। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क इंडिया इज हैविंग मोनोपोली, कौन सा सिल्क है जिसमें इंडिया की मोनोपोली है? मोनोपोली मतलब यही प्रोड्यूस करते हैं, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, सब इसका राज है। मलबरी सिल्क, तसार सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क। In which of the following silk India is having monopoly? Mulberry, Tasar, Eri, Muga. Muga silk. बिल्कुल, है ना, Muga silk. तो Muga silk जो है आसाम में produce की जाती है, इंडिया में इसके अलावा ये कहीं और produce नहीं की जाती है। तो इसमें इसी का राज है, अगर किसी को मोगा सिल्क लेना है तो इंडिया आना ही पड़ेगा या फिर इंडिया से मांगना ही पड़ेगा, है ना। सो द आंसर इज डी, मोगा सिल्क। द ग्लैंड्स दैट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ लैक इज, लैक कहां से, किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है? इश्चिवाता ग्लैंड, कॉर्पारा अलाटा, रेजिनलिन ग्लैंड्स और लायोनेट्स। द ग्लैंड्स दैट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ लैक इज, लाक या लाक के नाम से आप जानते हैं, जो मम्मी चूड़ियां पहनती है लाक की, है ना। तो लाक कहां से सिक्रीट होता है? इश्चिवाता ग्लैंड, कॉर्पोरा अलाटा, रेजिनलिन ग्लैंड और लायोनेट्स। बिल्कुल सही, रेजिन ग्लैंड, है ना।
रेजिन ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है लार्क. सी विल बी द राइट आंसर. इंसेक्ट ऑर्डर इन विच निम्स आर कॉल्ड एज नेड. इंसेक्ट का कौन सा ऑर्डर है जहां पर निम्स को नेड्स कहा जाता है. ओडोंटा ऑर्डर, हिम्नोप्ट्रा ऑर्डर, थाइसिनोप्ट्रा ऑर्डर, डिप्ट्रा ऑर्डर. इंसेक्ट ऑर्डर इन विच निम्स आर कॉल्ड एज नेड. इमेच्योर स्टेज को निम्फ की जगह पर नेड कहा जाता है. ये किस ऑर्डर में होता है. ओडोंटा, हिम्नोप्ट्रा, थाइसिनोप्ट्रा, थाइसिनोयूरा, डिप्ट्रा. No. Yes, Vishu सही आंसर कर रहा है. The answer is Odonta order. Odonta order के फटाफट से एग्जाम्पल बताइए. Odonta order. तो Odonta order से कौन बिलोंग करते हैं. ड्रैगन फ्लाई, डैम्सन फ्लाई है ना, ड्रैगन फ्लाई. ठीक है, तो ड्रैगन फ्लाई के जो लार्वल तो नहीं, हाँ इमेच्योर स्टेज है, लार्वल स्टेज है, उसको नेड्स कहते हैं. ठीक है, What is the optimum plant population for BT cotton? BT cotton के लिए optimum plant population क्या है? 4000 meter plants per hectare, 40,000 plants per hectare, 10,000 plants per hectare, 6,666 plants per hectare. What is the optimum plant population for BT cotton? बिल्कुल सही सचिन. सो जो इंसेक्ट वाटर इंसेक्ट्स होते हैं या जिनका जो लार्वा है वो वाटर में होता है उन्हें नेड्स कहते हैं, और जो धरती पर रहते हैं उन्हें निम्फ कहते हैं. बिल्कुल सही, द आंसर इज सी, 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर. ठीक है, अब देखो रट मत लेना 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर. कई बार एग्जामिनर एकड़ में भी दे सकता है, तो इसको चेंज करना भी आना चाहिए. ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन पेपर. जितना कम नेगेटिव करोगे उतने अच्छे चांसेस बढ़ेंगे. हाँ बिल्कुल सही विशु, ड्रैगन फ्लाई को हेलीकॉप्टर कहते थे हम लोग तो, है ना, आप लोगों का पता नहीं. द मेजर ब्लड शुगर इन इंसेक्ट इज, इंसेक्ट में कौन सी मेजर ब्लड शुगर है. ग्लूकोज, सेलुलोज, ट्राइहेलोज या फिर क्या है, रेजिनोज. ब्लड शुगर इन इंसेक्ट्स, हमारी ब्लड शुगर जैसे ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है, इंसेक्ट की ब्लड शुगर कौन सी है. उसकी भी ग्लूकोज है, सेलुलोज है, ट्राइहेलोज है या रेजिनिन है, सॉरी रेजिनोज है. इंसेक्ट की ब्लड शुगर कौन सी है. ना 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 ना, नॉट ए, द आंसर इज ट्राइहेलोज, सी ट्राइहेलोज. ठीक है, तो ये दो तीन चीजें याद रखना. इंसेक्ट का जो ब्लड होता है वो एल्कलाइन होता है, यानी कि उसकी पीएच मोर देन 7 होती है. उसका जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट या क्रीमी सा या लाइट ग्रीनिश कलर होता है. उनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता जैसे हमारा होता है, यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, और उसमें जो मेजर शुगर पाई जाती है वो ट्राइहेलोज शुगर पाई जाती है. देखो अंजलि चौधरी हैज गिवन द राइट आंसर. ठीक है, अंजलि चौधरी क्या आकाश चौधरी की बहन भी आ गई है पढ़ने. ठीक है, चलो तो इसमें ट्राइहेलोज शुगर है. फर्स्ट रेजिस्टेंट was found in which agricultural pest? पहली resistance हमने किस agriculture pest में देखी थी. BPH, सिंघाड़ा beetle, white fly, thrips. मतलब उससे पहले हमें लगा ही नहीं था इनमें resistance क्यों आएगी. ठीक है, तो एक insect देखा हमने जिसमें resistance develop हो गई. अब उस पर insecticide का असर ही नहीं होता है, ढीठ हो गया है ना. जिस बच्चे को हम ज्यादा मारते हैं वो ढीठ हो जाता है, अब उसे मार का असर नहीं होता. होता है कुछ ही कर लो, मार ही तो पड़नी है, खा लेंगे. इसलिए बच्चे को सिर्फ डराना होता है, मारेंगे, मारना नहीं होता है. ठीक है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस किस इंसेक्ट में देखी गई है.
No, not brown plant hopper. Singhara beetle. Singhara beetle. B. क्या एक दूसरे को देख देख के आंसर लगा देते हो? Which control strategy is likely to have the greatest impact on non-target organisms? इनमें से कौन से कल्चरल प्रैक्टिस ऐसी है जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पर ज्यादा इफेक्ट डालती है? मारना था इसको, गलती से मर गया वो, यानी कि नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को नुकसान कौन सी एक्टिविटी ज्यादा पहुंचाती है? केमिकल, बायो कंट्रोल, कल्चरल और मैकेनिकल? विच कंट्रोल स्ट्रैटेजी, नहीं बायोलॉजिकल नहीं होगा विशु, द आंसर विल बी केमिकल. ठीक है, बायोलॉजिकल आर वेरी स्पेसिफिक, जिसको मारने भेजे उसी को मार के आएंगे. ठीक है, हाँ, सो ए केमिकल. अब देखिए, केमिकल है मतलब जहर है. आपके फील्ड में अगर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं या फिर आपके फील्ड में नेचुरल एनिमीज हैं, अगर आपने केमिकल का यूज किया तो जो आपके हार्मफुल इंसेक्ट है उनके साथ साथ वो बेनिफिशियल इंसेक्ट भी मर जाएंगे. जहर तो कोई भी खाए मर ही जाएगा, है ना? तो ये नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है केमिकल्स, है ना? स्पेसिफिक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं होते हैं, लेकिन सब प्रैक्टिसेस में अभी भी केमिकल ही है जो नॉन टारगेटेड ऑडियंस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है. ठीक है, तो भाई इसीलिए तो रिसर्च चलती आ रही है कि कम से कम हम इन चीजों को जितना कम हो सके उतना कम करें. जी महेंद्र, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड इन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किस में देखने को मिलता है? एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, जेसेट्स, मैंगो, मिलीबग्स. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब आप देखने से पहचान पाएंगे कि ये फीमेल है कि मेल है, उसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना? तो किस इंसेक्ट में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग दिखाई देते हैं कि हम पहचान पाए? एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, जेसेट्स और मिलीबग्स. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट इन, वेरी गुड धनंजय. द आंसर इज मिलीबग, है ना? आंसर क्या है? मिलीबग, डी. सो मिलीबग में फीमेल्स जो है दे आर सिमिलर टू देयर इमेच्योर स्टेज जो भी होती है, एंड दे डू नॉट हैव विंग्स, इनके पास विंग्स नहीं होते. मेल्स के पास विंग्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप देखने भर से पहचान पाएंगे ये मेल है और ये फीमेल है. ठीक है, सो द राइट आंसर हियर विल बी मैंगो मिलीबग, डी विल बी द राइट आंसर. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, Which pest attack the whole grain both before and after the harvest? कौन सा इंसेक्ट है जो होल ग्रेन पर अटैक करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बोथ ए एंड बी. कौन से इंसेक्ट है जो होल ग्रेन पर अटैक करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, बोथ ए एंड बी. क्या होगा आंसर? आंसर हियर विल बी ए, प्राइमरी. ठीक है, प्राइमरी इंसेक्ट हमेशा होल ग्रेन्स पर अटैक करते हैं जो पूरा है, साबुत है. ठीक है, सेकेंडरी पेस्ट हमेशा जो ऑलरेडी खाया हुआ या अटैक्ड किया हुआ सीड है उस पर अटैक करते हैं. ठीक है, सो द आंसर विल बी हियर प्राइमरी. Offering plant recommended for apiculture is, एपिकल्चर के लिए सबसे अच्छा फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होगा? रोज, ट्यूलिप, क्राइसेंथेमम, जैस्मीन. धनंजय, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी ऑफलाइन क्लासेस, हम ऑनलाइन क्लासेस ही प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे, ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं. फ्लावरिंग प्लांट रिकमेंडेड फॉर एपिकल्चर, एपिकल्चर के लिए सबसे सुटेबल प्लांट कौन सा है? मधुमक्खी को कौन सा प्लांट पसंद आएगा? रोज,
है ना, रोज सबको ही पसंद आता है तो मधुमक्खी को भी आएगा. तो द राइट आंसर इज ए रोज. Juvenile hormones are referred as dash generation pesticide. Juvenile hormone को कौन से generation के pesticides में count किया जाता है? First, second, third, fourth. Juvenile hormones are considered which generation pesticides? So, third generation will be the right answer. ठीक है? थर्ड जनरेशन विल बी द राइट आंसर. तो एक बात देखिए, जो भी आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स आप यूज करते हैं, कोई हार्मोन्स यूज करते हैं, है ना, हार्मोन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब आपके थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स में आते हैं. जैसे जुवेनाइल हार्मोन अगर ज्यादा होगा इंसेक्ट का तो कभी एडल्ट में चेंज ही नहीं होगा, वो हमेशा लार्वल स्टेज पर रहेगा, है ना, तो वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी. तो इस तरीके के अगर आप हार्मोन्स यूज कर रहे हैं तो ये आपके सारे थर्ड जनरेशन होते हैं. सिंथेटिक पायरेथ्रोइड आपके फोर्थ जनरेशन होते हैं, है ना, सिंथेटिक पायरेथ्रोइड आपके फोर्थ जनरेशन होते हैं. और जितने भी आप ये सुनते हैं हम मोनोक्रोटोफोस, है ना, और आपके ऑर्गेनोफोस्फेट्स, ऑर्गेनोकार्बामेट्स, ये सब आपके सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स होते हैं. ठीक है, दे आर योर सेकेंड जनरेशन पेस्टिसाइड्स. ठीक है, ऑर्गेनोक्लोराइड्स होते हैं, दे आर योर फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड्स. तो ये जनरेशंस अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, आपको इनकी कैटेगरीज पता होनी चाहिए फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट्स ऑल, द क्लास हैज कम टू द एंड. आई होप आप सभी लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा. इफ येस, पुट अ थम्स अप ताकि मुझे भी पता चले कि आपने क्लास को कितना एंजॉय किया है. राइट जी, कोशिश करूंगी हिंदी इंक्लूड करने की भी, है ना. एक्चुअली प्रॉब्लम ये कि जो टेक्निकल टर्म्स होती है मुझे हिंदी में कम पता होता है कि इनके नाम क्या है हिंदी में. ठीक है, बट फिर भी समहाउ हम सेंटेंस फॉर्मेशन तो हिंदी में कर ही लेते हैं कि समझ आ जाए वट वी वॉन्ट टू आस्क. राइट, सो दिस इज योर IBPS AFO फाउंडेशन बैच जो कि 14 February से फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है. जो भी बच्चे अपने थर्ड BSA में हैं, दे आर वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर IBPS AFO नेक्स्ट ईयर, दे कैन एनरोल इन द बैच जो कि एक फाउंडेशन बैच है. मतलब एनी वन हु वॉन्ट्स टू गिव द एग्जाम नेक्स्ट ईयर. राइट, द फीस फॉर दिस इज 3220. इसकी फीस है और ये डिस्काउंटेड फीस है जो आपको एक कूपन कोड लगाने से मिलेगी, और वो कूपन कोड है Y448. 4+4 8 होते हैं. वही आपकी IBPS AFO की मेंस की टेस्ट सीरीज है. दिस इज द हाई टाइम, एग्जाम पास आ रहा है, डू एनालाइज कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं. डू गो फॉर द मॉक टेस्ट, एंड द मॉक टेस्ट इज टोटल 20 टेस्ट है जो 218 rupees में आपको मिलेंगे विद द कोड Y448. उसके बाद S लगाना नहीं भूलना है. ठीक है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब ADO या बिहार BSFC, ऑफकोर्स यू कैन एनरोल इन द बैचेस. बैचेस स्टार्ट हो गए हैं. द फीस फॉर दीज बैचेस इज 2759, अगेन विद द सेम कोड Y448. Do like the session and share with the people who are preparing for any agricultural exam. कैसे इनमें जो है enroll करना है, I'll let you know. ठीक है, तो हम next class में समझेंगे भाई इसको, Cambridge International School. ठीक है, इसको next class में. वैसे मैं आपको theoretically करवा चुकी हूँ insecticides, इनके classifications एक class में. यू कैन सी दैट क्लास, इंसेक्टिसाइड्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे विद माई नेम तो आपको वो क्लास मिल जाएगी जिसमें इसकी सारी डिटेल्स गिवन है. ठीक है जी, धनंजय आपका क्वेश्चन क्या था एक बार अगर आप रिपीट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना, क्योंकि मुझे लगता है वो ऊपर चला गया है. चलिए, सो हाउ टू एनरोल इन द बैचेस, आप एप्लीकेशन के द्वारा भी एनरोल कर सकते हैं और आप वेबसाइट के द्वारा भी कर सकते हैं. एप्लीकेशन में फीस थोड़ी सी और कम हो जाएगी क्योंकि उसमें आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं जिनको यूज करके यू कैन गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है,
वेबसाइट के द्वारा करना है तो गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, साइट मिलेगी, इस तरीके से खुलेगी। उसमें ऑल कोर्सेज में जाइए, ऑल कोर्सेज में नीचे यहाँ पर एग्रीकल्चर को चूज कीजिए। एग्रीकल्चर में यहाँ आपको पंजाब ईडीओ भी दिख रहा है, यहाँ आपको आईबीपीएस एएफओ भी दिख रहा है, यहाँ आपको जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर भी दिख रहा है, बिहार बीएसएफसी भी दिख रहा है। जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपने उसको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर हम आईबीपीएस एएफओ को सेलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर महापैक इसलिए दिख रहा है बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन दिस पैक। फिर आपका ये फाउंडेशन बैच है जिसको हम क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। 12 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड सारे एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे। जैसे ही आप इस पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे नई विंडो आएगी। टू गेट द ऑफ ऑन दिस फीस यू हैव टू टाइप Y448। जैसे यहां पर मैंने Y448 लगाकर अप्लाई किया, आपकी फीस 77% रिड्यूस हो जाती है। द पेएबल फीस इज 3220, है ना, जो आपको फीस पे करनी है। हाँ धनंजय, इसमें दोनों हैं बच्चे, है ना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड विद योर एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट। 14 February से ये बैच जो है शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर आईबीपीएस एएफओ की टेस्ट सीरीज भी दिखेगी। इस पर भी क्लिक करेंगे, बाय नाउ बटन दबाएंगे, ऐसे ही नई विंडो आएगी। कूपन कोड थोड़ा सा डिफरेंट है, Y448 सेम है, बस S ऐड करना है और अप्लाई कर देना है। सो यू विल गेट 18% डिस्काउंट और 206 रुपीज में यू विल गेट 20 टेस्ट फॉर योर मेन्स एग्जाम, ठीक है। चाहे आप पंजाब एडियो के लिए तैयारी कर रहे हो, बिहार बीएसएफसी की तैयारी कर रहे हो, तरीका एनरोलमेंट का सबका सेम है, इसी तरीके से आपने एनरोल करना है। ओके गाइज, गुड बाय नाउ, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा।